नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयस बालेरा हूँ। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ इंडस हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या आम भाषा में जिसे गदूत का बढ़ना कहते हैं, उस बारे में बातचीत करेंगे। अब गदूत एक ये ग्लैंड है जो पुरुषों में पाया जाता है। ये हमारे पेशाब की थैली के पास होता है, जिसमें से हमारी जो पेशाब की नाली है वो पास होती है। 40 की उम्र के बाद गदूत बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जब ये गदूत बढ़ते हैं तो हमारी पेशाब की नाली को ये ऑब्स्ट्रक्ट करने शुरू करता है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को पेशाब की दिक्कत आने लगती है। अब ये पेशाब की दिक्कत या सिम्टम्स क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। BPH की वजह से जो पेशाब के सिम्टम्स दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और इरिटेटिव सिम्टम्स। अब ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्या है? पहले होता है हेजिटेंसी। हेजिटेंसी मतलब जब आप पेशाब करने जाओगे तो साथ के साथ पेशाब शुरू नहीं होगा, आपको कुछ देर, मान लो 15 सेकेंड 20 सेकेंड आपको वेट करना पड़ता है, तब पेशाब शुरू होता है। अगर ऐसा सिम्टम आपको है तो इसे हेजिटेंसी कहते हैं। दूसरा होता है इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी मतलब जब पेशाब शुरू हो जाता है तो पेशेंट पेशाब की धार को मेंटेन नहीं कर पाता, पेशाब की धार चलती है रुक जाती है, चलती है रुक जाती है, ये चलते रहता है, इसे हम इंटरमिटेंसी कहते हैं। तीसरा सिम्टम है पुअर स्ट्रीम। पुअर स्ट्रीम मतलब पेशाब की पतली धार। ये धार हम जब ये ज़्यादा दूर ना गिरे और पैरों के पास गिरे तो हम इसे कमज़ोर कहते हैं या पुअर स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसका मतलब होता है कि पेशाब करने के बाद भी कुछ बूंद आपके निकलते हैं जो आपके कपड़ों को खराब कर सकते हैं, इसे हम ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कहते हैं। आखिरी सिम्टम ऑब्स्ट्रक्टिव में होता है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन। इसका मतलब है पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसी फीलिंग रहती है कि आपका ब्लैडर अब तक पूरा खाली नहीं हुआ, अभी भी यूरिन अंदर बचा हुआ है, इसको हम इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ यूरिन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स की। इरिटेटिव सिम्टम्स तीन होती है। पहला होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार यूरिन जाना। नॉर्मली हमें 2 से 2.5 घंटे बाद यूरिन आता है, बट अगर किसी को हर 15 मिनट में या हर आधे घंटे में यूरिन जाना पड़े तो इसे हम एबनॉर्मल मानते हैं और इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा सिम्टम है अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब अचानक से यूरिन का प्रेशर फील होना और इतना अर्जेंट होना कि आपको भागना पड़े यूरिन के लिए, इसे हम अर्जेंसी कहते हैं। आखिरी सिम्टम है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मतलब रात को नींद में से बार बार उठ के पेशाब जाना। अब ये बाकी कारणों की वजह से भी हो सकता है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर हो, बट ये प्रोस्टेट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम माना जाता है। ये इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको है तो आपको तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब यूरोलॉजिस्ट आपके एग्जामिनेशन से और इन्वेस्टिगेशन से आपकी डायग्नोसिस बनाते हैं। एग्जामिनेशन में आपके लैटरिन के रास्ते प्रोस्टेट का चेकअप किया जाता है, जिससे आपके प्रोस्टेट बड़े हैं कि नहीं वो पता लग जाता है। उसके बाद यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट होती है। यूरोफ्लोमेट्री मतलब एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट को पेशाब करने के लिए हम कहते हैं, और वो मशीन एक सेंसर से कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। जब पेशेंट पेशाब करता है तो कंप्यूटर से रिपोर्ट बन के निकलती है, जिसमें हमें पेशेंट के फ्लो रेट या यानी कि पेशाब की धार का एक फ्लो रेट पता चल जाता है, जिससे हम पता करते हैं कि पेशेंट की पेशाब में कितनी रुकावट है। उसके बाद जो टेस्ट होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें गदूत की साइज पता चल जाती है, और जो दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर जो हमें पता चलता है वो है PVR, पोस्ट वर्ड रेसिड्यू, मतलब यूरिन करने के बाद कितना यूरिन पेशाब की थैली में रुक जाता है। ये सारे चीज़ें जब हो जाती है तो डायग्नोसिस बन जाता है, तो बारी आती है ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट दो तरीकों से होता है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको हम दवाइयाँ देते हैं जिससे
जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा या पेशाब का जो पैसेज है वो रिलैक्स हो जाता है और जिसमें आपको पेशाब करने में आसानी होती है। जब दवाइयों के बाद भी ये जो मैंने बताए हुए सारे सिम्टम्स अगर आपको परसिस्टेंटली हो रहे हो तब आपकी इंडिकेशन बनती है सर्जरी की। अब इसमें सर्जरी दूरबीन के रास्ते भी होती है या ओपन सर्जरी भी होती है। आजकल जो लेटेस्ट है वो है दूरबीन के तरीके से, जिसे हम TURP कहते हैं। इसमें बाथरूम के रास्ते एक दूरबीन पास करी जाती है जिससे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को हम निकालते हैं। इस सर्जरी में आपके बॉडी पे कोई कट, कोई टाका, कुछ नहीं होता। ये एक सूचरलेस या इंसिजनलेस सर्जरी हम कहते हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम हो तो अपने तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट को मिलना जरूरी है ताकि आपका सही समय डायग्नोसिस बने और तुरंत इलाज शुरू हो जाए। थैंक यू।